Hello, assalamu alaikum. My name is Dr. Farhan and I am working with hospital as a general physician. आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ओरल अल्सर्स, मींस के मुंह में छालों का बन जाना. मुंह में छालों का बनने की काफी वजहात हैं, जिनमें जो मोस्ट कॉमन वजह है वो है ओरल इंजरी. जो ओरल इंजरी होती है उसकी फर्दर डिफरेंट रीजंस होती हैं, जिनमें कुछ लोग ब्रेसिस वियर करते हैं जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होती है ओरल इंजरी की. इसके अलावा कुछ लोग बहुत ज्यादा गर्म चाय या कॉफी का यूज करते हैं या बहुत ज्यादा गर्म खाना खाना पसंद करते हैं. इन चीजों से भी ओरल इंजरीज हो सकती हैं. इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जिनकी वजह से ओरल अल्सर्स बन सकते हैं, जिनमें पेन किलर सेलेफेरिस्ट हैं. कुछ इन्फेक्शन भी होते हैं जो कि ओरल कैविटी में अल्सर्स बना सकते हैं. उन इन्फेक्शन में खास तौर पे हर्पीज वायरस के इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन शामिल हैं. और जो लोग स्मोकिंग या तंबाकू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं उन लोगों के अंदर ओरल कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ओरल कैंसर की इनिशियल सिम्टम्स में ओरल अल्सर्स का बनना भी आम बात है. अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी अलामत क्या होती हैं. इसकी अलामत में पेन सेरेफेरिस्ट है. जो पेन होती है वो ओरल कैविटी में होती है और जो खास तौर पे खाना खाते वक्त या खाना चबाते वक्त ज्यादा होती है. इसके अलावा आपको खाने में मिर्चों का बहुत ज्यादा महसूस करना और बहुत ज्यादा गर्मी महसूस करना इसकी अलामत में शामिल है. इसकी तशखीस कैसे की जाती है कि सबसे पहले इसका फिजिशियन से एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, और उसके बाद आयरन और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी ओरल अल्सर्स बन सकते हैं. तो इस वजह से कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी की जाती हैं, और अगर फिजिशियन को लगे कि ये ओरल कैंसर की वजह से अल्सर्स बने हुए हैं तो कुछ सैंपल्स भी लिए जा सकते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका इलाज और इनसे बचाव कैसे मुमकिन है. इसके इलाज या बचाव में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ओरल हाइजीन को मेंटेन करना. इसके अलावा कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम्स भी अवेलेबल हैं जिनसे ओरल अल्सर्स को कंट्रोल किया जाता है, और अगर दर्द बहुत शदीद है तो टॉपिकल पेन किलर्स भी यूज किए जाते हैं. इसके अलावा सॉफ्ट टूथब्रश का यूज करना. एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं जिनसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है. इसके अलावा अगर पेन बहुत शदीद है तो टॉपिकल पेन किलर्स भी यूज किए जाते हैं. अगर इनकी वजह आयरन या विटामिन B12 की कमी हो तो आयरन और विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं, और अगर स्टमक इश्यूज की वजह से ओरल अल्सर्स बन रहे हैं तो उसका पॉसिबल ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल करना चाहिए. तो ये थी कुछ अहम बातें ओरल अल्सर्स के बारे में. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.